नमस्कार, एनसीसी हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। आज दिन भर सर विधानसभा में कई सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इससे तमाम जो है जो गरीब लोग हैं इनका उत्थान होगा, इनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है, कई उपहार भी उनको दिए गए। दिन भर में अब तक लगभग कितने लोगों का सामूहिक विवाह के अंतर्गत विवाह हुआ और आगे जो प्रणाली चल रही है इसमें अब तक कितने लोगों का विवाह होगा? देखिए, 2017 में जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी शपथ लिए, उन्होंने कहा था कि मैं गरीब जो हमारी बेटी है उसका हाथ पीला कैसे हो, उसके लिए एक कार्यक्रम बनाया उन्होंने, एक ये योजना बनाई। आज उस योजना के अंतर्गत आज हर ब्लॉकों में हम लोग जो है जो जब से हम विधायक बने हैं ये तो हम कई लगभग इस शुगर ब्लॉक में तीसरा चौथा मैं कर रहा हूँ और गौरव में मैं कई किया, तो ये हमको कन्यादान का भी मौका मिला। और गरीबों जो शादी नहीं, पहले 10,000 मिलता था शादी अनुदान में, वो भी जो है 15 बाट हो जाता है पैसे का, लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको एक सामूहिक शादी करा दिया। एक तो हम लोग बराती बन गए और उनको 35,000 उनके खाते में आ रहा है, उनको सब कुछ दिया जा रहा है, उनको एक थान गहना भी दिया जा रहा है, बैग भी, अब तो हमने गैस भी देने का काम कर दिया, शौचालय भी दिया जाया। तो ये काम पहले नहीं होता था, गरीबों का उत्थान कैसे होना चाहिए उसको हमारे मुख्यमंत्री ने पहचाना। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और इतने लोगों का कन्यादान हम लोग कर रहे हैं। हमारी बेटी जो गरीब है, पहले हमारे लोग के पास आती थी शादी के लिए, उसके माँ बाप परेशान है, खेत बेचना चाहता था, उनको जो है गहना रखना पड़ता था, और आप जानते हो कि वो गिरवी भी रखते थे कुछ, वो सामान रख के शादी हम कर दें और अपना जो है धीमे धीमे हम देंगे पैसा, आप काटते रहिए, उनको बेचारे ब्याज पे पैसा ले लेती थी माँ बाप और बेचारे परेशान रहते थे। लेकिन इसको पहचाना हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहचाना और उसी के कारण आज यहाँ 30 जोड़ों में आज यहाँ पर शादी हुई। उस शादी में पहुँचा, शरीक हुआ और निश्चित है मैं उनको बधाई भी दिया कि एक जगह आज बाराती विधायक भी शामिल हुए, BDO भी शामिल हुए, सब लोग BDC प्रधानगढ़ इतने लोग एक साथ बाराती में शामिल हुए, यहीं साथ भोजन हुआ, साथ यहाँ पर हम लोग पूजा किए बारात, हमको भी अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ कि जो ऐसी योजना उन्होंने बनाया, ये कार्यक्रम जो सफल है, निश्चित है गरीबों का पुण्य इस समय माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है। सर, मुस्लिम जोड़े भी इसमें बढ़ चढ़ कर जी, निश्चित वहाँ भी है, एक यहाँ भी जोड़े आए, वहाँ भी एक जोड़े थे, अभी मैं गया था वहाँ गौरव ब्लॉक में, वहाँ भी हुए हैं, निश्चित है। आज हम लोग 30 और 56 जोड़ों की शादी अभी 2 ब्लॉक में हुई, निश्चित है उनकी, वो भी तो गरीब है मुस्लिम भी, उनको बहनों को भी हम लोग ने शादी कराया और उनके बहनों के लिए भी तो अच्छा हमारे प्रधानमंत्री किया, उनको 3 तलाक जो उनको कह के कह दिया जाता था और बेचारे छोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब क्या है कि अगर 3 तलाक बोलेंगे तो तुरंत FIR होगी, उनका कानून बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। उन बहनों को भी हम लोग ने तरक्की कराने का काम किया, उनके भी हम लोग ने ध्यान देने का काम किया, तो हमारी सरकार हर चीज़ में ध्यान दे रही है, इससे आज हम लोग को खुशी है कि ये जो आज हम 30 जोड़े की शादी शुगर ब्लॉक में हुई, निश्चित मैं बहुत खुशी हूँ, मुझको इतना मौका, अब 30 शादी मुझको जाने के लिए जानते हैं आप कितना दिन लगता, पूरे दिन में चलता और रात को 2-3 नहीं पहुंच पाता, 30 शादी नहीं पहुंच, लेकिन आज एक जगह ही 30 जोड़े की शादी हो गई और मैं भी कन्यादान कर दिया, मैं भी शरीक हो गया। निश्चित मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ, ऐसी योजना बनाया कि आज जो है हम मुसलमानों की अगर बात की जाए तो हम पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम बस्तियों में हम रानीगंज के गए हैं, वहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हम धीरज ओझा जी को इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि पर्सनली वो हमारे हमेशा सुख दुख में सहभागी रहे हैं। हम ये चीज जानना चाहते हैं कि मुसलमानों की एक तरफ ये अफवाह फैलाई जाती है, BJP मुसलमानों को दयन दर्जे का नागरिक समझती है, इसके बावजूद मुसलमानों में आप इतनी लोकप्रियता कैसे हासिल की है? देखिए, फिर आपसे कहा, मैं जो देशभक्त है मुसलमान, जो इस देश के गरीब आदमी है, जिनको अंतिम व्यक्ति पैदान में रखा गया, उनको हम लोग दिलवाएंगे हर चीज़, उनको आवास हम लोग देंगे, उनको हम लोग शौचालय देंगे, उनको आयुष्मान भारत कार्ड देंगे, हमारी सरकार भी दे रही, मैं भी दे रहा, शादी भी करवाएंगे। और पूछा नहीं जाता था पहले, उनको वोट बैंक समझा जाता था, हमारी सरकार ने ये काम करने का, यही बुढ़ौरा है बगल में, आप पता करिए, यहाँ सपा को उन्होंने वोट दिया, बसपा को वोट दिया, लेकिन पुल नहीं बनवाए, लेकिन धीरज ओझा को वोट नहीं दिए, तब भी मैं पुल बनवाने का काम बुढ़ौरा में करा, वो लोग कह रहे हैं,
कि बीजेपी सरकार में हम लोग को बिना कहे ध्यान दिया गया। अच्छा, उनका यहाँ तक कहना था कि धीरज ओझा के अलावा अगर किसी दूसरे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तब हम उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो बीजेपी को अब भी उसी निगाह से देख रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लोकप्रियता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ वो जो बेचारे हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, मुस्लिम हमारे जो हमारे प्रधानगढ़ हैं, जो पसंद करते हैं, जो धीरज ओझा जात पात की राजनीति नहीं करते, धीरज जो सही है उसकी मैं पैरवी करता हूँ, जो मेरा कार्यकर्ता है वो सही रहेगा मैं उसकी पैरवी करूंगा, जो मेरे उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, ये थोड़ी सब वो है उस तरह से है, उसमें भी देशभक्त है, उसमें भी आप जानते हो वीर अब्दुल हमीद को थे देशभक्त है, यही कई लोग सेना में गए हैं उसमें भी देशभक्त है, और निश्चित है ऐसे देशभक्तों के लिए जो भी योजना आएगी, जो भी वो काम मांगते हैं हम तुरंत करवाते हैं, अगर उनको गलत फंसाया जाएगा तो उसमें मैं बोलता हूँ, अगर अपने गांव के विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, काम हमसे मांग रहे हैं, क्यों नहीं मैं करूंगा, मैं सबका विधायक हूँ, यानी रानीगंज के सब लोगों को साथ लेकर चलूंगा सबको। मैंने कहा अब कि आप देख लीजिएगा, आप मीडिया के हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दूर से आए ओपनिंग को ले रहे, मैं आपसे कह रहा हर जात का समर्थन इसमें भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, कमल का फूल बहुत उनको सिखाने लगा, इतना वोट मैं आपके मंच पे याद कर रहा हूँ, शुगर ब्लॉक में रहा हूँ, इसको आप नोट करिएगा, आप चलाइएगा शुगर में, मैं कह रहा हूँ इतने वोटों से अब की कमल यहाँ खिलने जा रहा है, रानीगंज विधानसभा जहाँ मैं हूँ, मैं यहाँ का जान रहा हूँ, इतने वोटों से खिलने चल रहा है कि इतिहास बदलने चल रहा है इस रानीगंज, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप देखिएगा जनता में एक वो हो गया है, और तो मैं जनता में देख रहा हूँ करंट है, अंडर करंट है, और जनता मैं कार्यक्रम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझको ऐसे लग गया कि अगर मैं जबरदस्ती कार्यक्रम कराता तो गड़बड़ी है, चाय पीने आ रहा हूँ जबरदस्ती, लोग हमसे कह रहे हैं आप हमारे यहाँ चाय पीने आओ, लिट्टी चोखा हमारे यहाँ करो, जनता कह रही है तो आप समझ लीजिए उनको प्यार है तभी बुला रहे हैं, और मैं अगर कहता चाय पिलाओ तो गड़बड़ है, मैं आप समझ लीजिए दोनों फर्क होता है, लिट्टी चोखा गड़बड़ है, अपने आप वो कह रहे हैं, इसके बाद गरीब आदमी भी कह रहा है हमारे घर आओ, और यहाँ का जो आदमी है वो भी कह रहा है, इसके मतलब उनको अंडर करंट है, धीरज को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, कमल के फूल को पसंद करते हैं, योगी जी को पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद, इसलिए धीरज ओझा को बुला। तो ये थे हमारे साथ रानीगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक धीरज ओझा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाज के हर तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा अगर भविष्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।